हो गए अभी प्रज्ञा दोनों एक, क्योंकि अभी प्रज्ञा को बचाएगा उसके बिजनेस पार्टनर की बड़ी चाल से, और इसीलिए प्रज्ञा को प्यार हो जाएगा अभी से, और अभी प्रज्ञा को अपनी गोद में उठाकर ले जाएगा प्रज्ञा के घर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रज्ञा का बिजनेस पार्टनर गौतम था, पर प्रज्ञा को अपनी जाल में फंसाने के लिए दारू में नशे वाली दवाई मिला देने की वजह से बड़ा खुलासा होगा कि जब आने वाले एपिसोड में प्रज्ञा उस दारू को पी लेगी, और उसी वक्त फार्म हाउस में अभी प्रज्ञा के बिजनेस पार्टनर गौतम थापर से मिलने आएगा। लेकिन अभी को पता नहीं होगा कि अंदर प्रज्ञा भी है, और दूसरी ओर प्रज्ञा फोन पर अपनी माँ से बात करने के लिए साइट पर चली गई होगी, और गौतम थापर 2 मिनट के लिए अभी को अंदर बुलाएगा, और प्रज्ञा के सामने अभी की अच्छाई तब आएगी जब गौतम थापर प्रज्ञा के बारे में अभी को बात करेगा, और अभी को पता नहीं होगा कि ये गौतम थापर प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा है। इसी वजह से प्रज्ञा के बिजनेस पार्टनर गौतम थापर से एक बड़ी भूल हो जाएगी जब वो कहेगा कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड की शराब में एक नशे वाली दवाई मिला दी है, और एक बड़ी गलती से गौतम थापर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में यानी कि प्रज्ञा के बारे में एक नाम ले लेगा, जिससे अभी को पता चल जाएगा कि ये प्रज्ञा को फंसाना चाह रहा है, और इसीलिए अभी प्रज्ञा को बचाने के लिए और प्रज्ञा के लिए प्रज्ञा के बिजनेस पार्टनर को मारने लगेगा, और तभी वहाँ पर अचानक से पीछे प्रज्ञा आ जाएगी, और प्रज्ञा अभी को अपने बिजनेस पार्टनर को मारते हुए देख लेगी। इसी वजह से काफी गुस्से से प्रज्ञा अभी को जोर से धक्का मारेगी, जिससे अभी को काफी बड़ा शॉक लगेगा, और इसीलिए अभी प्रज्ञा को कहेगा कि ना तो ये जगह सही है ना ये आदमी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तब प्रज्ञा कहेगी कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मुझे जिससे मिलना है मिलो। ये प्रज्ञा के मुंह से सुनकर अभी हिल जाएगा, और प्रज्ञा को अभी की अच्छाई के बारे में एहसास तब होगा जब अचानक से प्रज्ञा को नशा चढ़ने लगेगा। लेकिन अभी प्रज्ञा का ध्यान रखने के लिए कहीं नहीं गया होगा, बल्कि फार्म हाउस के बाहर ही होगा। इसी वजह से जब वो प्रज्ञा का बिजनेस पार्टनर गौतम थापर प्रज्ञा को छेड़ने की कोशिश करेगा, तब अभी फिर से फार्म हाउस के अंदर आकर प्रज्ञा की जान बचाएगा, और प्रज्ञा को सही सलामत गोद में उठाकर उसके घर ले जाएगा। और इसी वजह से प्रज्ञा को एहसास हो जाएगा कि 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अभी का हाथ नहीं था, बल्कि तनु आलिया की चाल थी, और इसे पता लगाने के लिए और कंफर्म करने के लिए प्रज्ञा 2 साल पहले की असली सच्चाई का पता लगाएगी, और जब प्रज्ञा को असली सच्चाई का पता चल जाएगा तब अभी प्रज्ञा दोनों हो जाएंगे एक, और अभी प्रज्ञा की जान बचाएगा और प्रज्ञा को अपने गोद में उठाकर उसके घर ले जाएगा। ये सीन आप देखना चाहते हैं या नहीं, और अभी प्रज्ञा दोनों एक होने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।